हेलो दोस्तों, माय नेम इज अजय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू थॉट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप जियो सिम एक्टिवेशन कर सकते हैं, वो भी आउट स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू किया जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिए, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए दोस्तों, जियो पॉस ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जियो आधार EKYC पर क्लिक करके मोबिलिटी पर सिलेक्ट करके डन कर देना है। उसके बाद आपको एजेंट का थंप लगा लेना है। थंप लगाने के बाद दोस्तों, कस्टमर का आधार कार्ड नंबर एंटर करके आई एग्री कैप्चर करके कस्टमर का भी थंप ले लेना है। जैसा कि दोस्तों हमने थंप ले लिया है, उसके बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा, इसमें कर देना है यस। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करके ओके कर देना है। दोस्तों ये ओके करके उसके बाद आपको सब फॉर्म फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको फ्लैट नंबर एंटर करना है, उसके बाद हाउस जहाँ वो रहते हैं उस एरिया का नाम, उसके बाद स्ट्रीट या विलेज, उसके बाद लोकेलिटी या तहसील एंटर कर दिए सब दोस्तों। तो अगर आपको अभी फॉर्म फिलअप करने में कोई समस्या आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पर SMS करें। जो भी एरर आ रहा होगा तो हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक तो ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है, उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। अगर दोस्तों आप अगर आधार कार्ड से एंटर करते हैं तो आपका मैच नहीं होगा, एरर कुछ इशू होगा आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको कस्टमर का लोकल रेफरेंस डिटेल्स भरना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, दोस्तों आधार कार्ड से एंटर मत कीजिएगा नाम कस्टमर का, नहीं तो वो मैच नहीं होगा, कुछ एरर आपको इशू होगा। उसके बाद कस्टमर से मोबाइल नंबर ले लेना है, उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। दोस्तों जैसा कि हमने एंटर कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, उसके बाद लोकेलिटी एंटर कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हमने लोकेलिटी एंटर कर लिया है, उसके बाद आपको हाउस या बिल्डिंग वहाँ पे भी आपको कुछ लिख देना है। जैसा कि हमने दोस्तों लिख लिया है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पेज ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको हाउस नंबर एंटर कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको स्ट्रीट या विलेज भी एंटर कर देना है दोस्तों। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको एक कॉलिंग पार्टी नंबर चाहिए, उसको भी आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अब आई एग्री कैप्चर पर फिर से क्लिक करना है। आप एजेंट अपना थंप लगा दोस्तों। अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रीपेड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेफरल नंबर में डालना है 1 2 3 4 5, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद सिम का बारकोड स्कैन कर लेना है दोस्तों आपको। जैसे कि दोस्तों हमने बारकोड स्कैन कर लिया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नो करके नेक्स्ट कर देना है दोस्तों आपको। उसके बाद तीनों ऑप्शन पर टिक करके दोस्तों आपको UCID नंबर लास्ट के सिम के पीछे दिया होता है दोस्तों 5 डिजिट एंटर करके कस्टमर का फिर से थंब लगा लेना है दोस्तों। अब आपको कर देना है प्रोसीड। उसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा दोस्तों, उसको बैक कर देना है आपको। तो अब आपको क्या करना है, कैश कर देना है। कैश करने के बाद आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों हमारा नंबर एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको अब भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में जाकर कमेंट करें या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।